वन पर्व का एक प्रसंग है। कौशिक नाम से प्रसिद्ध एक ब्राह्मण थे। वे संपूर्ण द्विजातियों में श्रेष्ठ समझे जाते थे। वे वेदाध्यासी, तपस्या के धनी एवं धर्मात्मा थे। एक दिन की बात है, वे किसी वृक्ष के नीचे बैठकर वेद पाठ कर रहे थे। ॐ सन्दो वित्रस्यं वरुणः सन्दो भवत्प्रियमा सन्द इन्द्रो बृहस्पतिः सन्दो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि। उसी वृक्ष के ऊपर एक बगुली छिपी बैठी थी। उसने कौशिक ब्राह्मण के ऊपर पीट कर यह देख ब्राह्मण क्रोधित हो गए। उन्होंने कुपित होकर उस बगुली को देखा और वह बगुली अचेत और निष्प्राण होकर धरती पर गिर पड़ी। यह देख ब्राह्मण का हृदय दया से भर गया और उन्हें अपने क्रोध पर पश्चाताप होने लगा। वे ब्राह्मण शोक करते हुए कहने लगे, अकार्य कृत्वान अस्मि रोष राग बलात् कृतः। अर्थात, ओह, आज क्रोध और आसक्ति के कारण मैंने यह अनुचित कर डाला। इस प्रकार बार बार पछता कर वह ब्राह्मण गांव में भिक्षा के लिए गए। किसी घर के आगे उन्होंने आवाज दी, भिक्षाम दे, भिक्षाम दे। भीतर से किसी स्त्री ने उत्तर दिया, ठहरो, अभी आती हूँ। असल में वह घर की मालकिन थी जो झूठे बर्तन मांज रही थी। ज्यों ही बर्तन साफ करके निवृत्त हुई, त्यों ही सहसा उसके पति देव घर पर आ गए। वह भूख से अत्यंत पीड़ित थे। सुशीला, सुशीला। जी स्वामी, अभी आई। बहुत भूख लगी है सुशीला, मुझे शीघ्र ही भोजन दे दो। स्वामी, आइए, हाथ पैर धो लीजिए, मैं अभी भोजन परोसती हूँ, आप आसन ग्रहण कीजिए। पतिव्रता स्त्री अपने पति को भोजन कराने लगी और ब्राह्मण देवता द्वार पर खड़े उसकी प्रतीक्षा करते रहे। उन्हें स्त्री पर क्रोध आ रहा था। सहसा स्त्री को ब्राह्मण देवता की याद आई। ओह, मैं तो भूल ही गई स्वामी, द्वार पर एक ब्राह्मण देवता खड़े हैं, मैं उन्हें अभी भिक्षा देकर आती। अवश्य। सुशीला जैसे ही भिक्षा लेकर द्वार पर पहुंची, देवी, यह तुम्हारा कैसा बर्ताव है? अरे, तुझे इतना ही विलंब करना था तो मुझे ठहरो कहकर रोका क्यों? मुझे जाने क्यों न दिया? क्षमा करे ब्राह्मण देव, मेरे लिए मेरे सबसे बड़े देवता मेरे पति हैं। वह भूखे और थके हुए घर पर आए थे, उन्हें छोड़कर कैसे आती, उन्हीं की सेवा में लग गई थी। ओहो, तो क्या हम ब्राह्मण बड़े नहीं हैं? तुमने पति को ही सबसे बड़ा बना लिया। एक गृहस्थी होकर तुम ब्राह्मणों का अपमान करती हो। अरे, इंद्र भी इन ब्राह्मणों के आगे सिर झुकाते हैं, फिर मनुष्यों की तो बात ही क्या है। घमंडी स्त्री, ब्राह्मण चाहे तो इस पृथ्वी को भी जलाकर भस्म कर सकते हैं। तपोधन, क्रोध ना करें, मैं कोई बबूली नहीं हूँ।
जो तुम्हारी इस क्रोध भरी दृष्टि से जल जाऊंगी। आप इस तरह कुपित होकर मेरा क्या कर लेंगे? मैं ब्राह्मणों का अपमान नहीं करती, आप मेरे अपराध को क्षमा करें। मेरे लिए तो पति देवता है और पति सेवा ही धर्म। और ब्राह्मण देवता, पति सेवा का प्रभाव तो देखो कि आपने क्रोध करके जो एक बगुली को जला दिया था, वह बात मुझे ज्ञात हो गई। आप क्रोध ना करें, जो क्रोध और मोह का त्याग कर देता है वही ब्राह्मण है। आप भी धर्मज्ञ, स्वाध्यायी और पवित्र हैं। तो भी मेरा यह विचार है कि आपको धर्म का सही ज्ञान नहीं है। विप्रबर, यदि आप परम धर्म क्या है यह नहीं जानते तो मिथिलापुरी में धर्म व्याध के पास जाकर पूछिए। मिथिला में एक व्याध रहता है जो माता पिता का सेवक, सत्यवादी और जितेंद्र है। वह आपको धर्म का उपदेश करेगा। आप उसी के पास जाइए, आपका मंगल हो। यदि मेरे मुख से कुछ अनुचित बातें निकल गई हो तो उन सब के लिए मुझे क्षमा कीजिए। सुबह तुम्हारा भला हो, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। मेरा सारा क्रोध दूर हो गया है। तुमने जो कुछ कहा वह अनुचित नहीं, मेरे लिए मंगलकारी है। कल्याणी, तुम धन्य हो जिसका सदाचार इतनी उच्च कोटि का है। उस पतिव्रता स्त्री से भिक्षा लेकर ब्राह्मण अपने निवास पर पहुंचे और उसकी सारी बातों को विचारने लगे। मुझे उस सती की बातों पर श्रद्धा और विश्वास करना चाहिए, अतः मैं अवश्य आज ही मिथिला जाऊंगा, उस पुण्य आत्मा धर्म व्याध से मिलूंगा और धर्म की बातें पूछूंगा। मन ही मन ऐसा निश्चय करके ब्राह्मण चल पड़े राजा जनक की मिथिला नगरी धर्म व्याध से मिलने। जनकपुरी पहुंचकर ब्राह्मण ने लोगों से धर्म व्याध का पता पूछा। भाई, यहाँ कोई धर्म व्याध रहते हैं, उनका पता जानते हो क्या? हाँ हाँ, उन्हें कौन नहीं जानता। उस ओर जाइए, वहीं उनकी दुकान है। जी, बहुत अच्छा। कौशिक ब्राह्मण जब बताए गए पते पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि तपस्वी धर्म व्याध कसाई खाने में बैठकर सुअर, भैंसे आदि का मांस बेच रहा है। वहां ग्राहकों की बड़ी भीड़ लगी हुई थी, इसलिए ब्राह्मण एक कोने में जाकर खड़े हो गए। धर्म व्याध ब्राह्मण को आया देख सहसा उठ खड़े हुए और ब्राह्मण के पास पहुंचे। भगवान, आपका स्वागत है। मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। मैं ही वह व्याध हूँ, मुझसे मिलने के लिए ही उस पतिव्रता स्त्री ने आपको यहाँ भेजा है। मैं यह भी जानता हूँ कि आप कौन हैं और यहाँ किस उद्देश्य से पधारे हैं। अब तो ब्राह्मण के आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। पहले वह पतिव्रता स्त्री और अब यह व्याध, दोनों ने कैसे बिना बताए ही सारी बातें जान ली। आप किस सोच में पड़ गए भगवान? वैसे यह स्थान आपके ठहरने के योग्य नहीं है, आप मेरे घर पर चलें। बहुत अच्छा, ऐसा ही करो। हे ब्राह्मण देवता, कृपया स्थान ग्रहण कीजिए। धर्म व्याध जी, यह मांस बेचने का कार्य आपके योग्य नहीं है। मुझे तो आपके इस कार्य से घोर संताप हो रहा है। हे ब्राह्मण देवता, यह काम मेरे बाप दादा के समय से होता चला आ रहा है। मैं अपने धर्म का ही पालन कर रहा हूँ। भगवान ने जो काम मेरे लिए प्रस्तुत किया है उसी का पालन करता हुआ मैं अपने बूढ़े माता पिता की सेवा करता हूँ। मैं स्वयं किसी जीव की हिंसा नहीं करता, दूसरों के मारे हुए सुअर और भैंसों का मांस बेचता हूँ। मैं स्वयं मांस भी नहीं खाता, अतः आप मुझ पर क्रोध न करें। इसके बाद ब्राह्मण देवता ने धर्म व्याध से धर्म संबंधित अनेकों प्रश्न किए,
जिसका उत्तर धर्म व्याध जी ने बड़ी सूक्ष्मता से दिया। महाभारत के वन पर्व के अध्याय 206 से 215 तक इसका वर्णन मिलता है। धर्म व्याध जी के धर्म विषयक अति सूक्ष्म और गहन ज्ञान को देखकर कौशिक ब्राह्मण आश्चर्य से भर गए थे, अतः आखिर उन्होंने पूछ ही लिया। तात, मांस बेचने जैसा कर्म करते हुए भी धर्म का मर्म आपको कैसे ज्ञात हुआ? मैं इतनी दूर से आया, क्यों आया, कैसे आया, यह सब भी आपने बिना बोले ही जान लिया। आपके जीवन में ऐसा क्या है जिससे आपको यह सिद्धियां मिली? आपकी दृष्टि में सर्वोपरि धर्म क्या है? हे ब्राह्मण देव, मेरा जो सर्वोपरि धर्म है जिससे मुझे यह सारी सिद्धियां प्राप्त हुई है, आइए अब उसका भी दर्शन कर लीजिए। ये हैं मेरे सर्वोपरि देवता, मेरे भगवान, मेरे माता पिता। बेटा उठो उठो, तुम तो धर्म के जाता हो। हम दोनों तुम्हारे सेवा से बहुत प्रसन्न हैं। तुम दीर्घायु हो, तुम्हारी सेवा से हम इस घर में ऐसे रहते हैं मानो देवलोक में रहते हो। देवताओं में तुम्हारे लिए हम दोनों के सिवा और कोई देवता नहीं, तुम हमें ही देवता मानते हो। यह ब्राह्मण देवता कौन है? पिताजी, ये कौशिक ब्राह्मण हैं, दूर देश से मुझसे मिलने के लिए आए हैं। आइए आइए, अपना स्थान ग्रहण कीजिए, आपके दर्शन से हम कृतार्थ हैं। धन्यवाद, मैं भी आपके दर्शनों से कृतार्थ हुआ। ब्राह्मण देव, ये माता पिता ही मेरे प्रधान देवता हैं। जो कुछ देवताओं के लिए करना चाहिए वह मैं इनके लिए करता हूँ। जैसे पूरे संसार के लिए इंद्र आदि 33 प्रकार के देवता पूजनीय हैं, उसी प्रकार मेरे लिए ये दोनों बूढ़े माता पिता ही पूजनीय हैं। ये माता पिता ही मेरे सर्वश्रेष्ठ देवता हैं। मेरा शरीर, मेरे प्राण, मेरी पत्नी, मेरे पुत्र और सब कुछ इन्हीं की सेवा के लिए है। मैं सब प्रकार से इन्हें ही संतुष्ट रखता हूँ। माता पिता की सेवा ही मेरी तपस्या है। इस तपस्या का प्रभाव तो देखिए, मुझे यह दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई है। ब्राह्मण, आप मेरी बात सुनिए, आपके लिए जो हितकर है मैं वही बात बताऊंगा। हे द्विज श्रेष्ठ, आपने अपने माता पिता की उपेक्षा की है। उन दोनों की आज्ञा लिए बिना ही वेद अध्ययन करने के लिए आप घर से निकल पड़े। आपके द्वारा यह बड़ा अनुचित कार्य हुआ है। आपके शोक से वे दोनों बूढ़े तपस्वी माता पिता अंधे हो गए हैं। आप उन्हें प्रसन्न करने के लिए घर जाइए। ऐसा करने से आपका धर्म नष्ट नहीं होगा, परंतु माता पिता को संतुष्ट न करने के कारण आपका यह सारा धर्म और व्रत व्यर्थ हो जाएगा। अतः शीघ्र जाकर उन दोनों को प्रसन्न कीजिए, उनकी सेवा कीजिए। यह मैं आपके लिए परम कल्याण की बातें बता रहा हूं। धर्म, सदाचार और सब गुणों से संपन्न व्याध जी, आपने जो कुछ कहा वह बिल्कुल सत्य है। मैं शीघ्र ही घर जाऊंगा और अपने बूढ़े माता पिता की सेवा से उन्हें संतुष्ट करूंगा। भगवान की बड़ी कृपा हुई जो मुझे आपसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं नरक में गिर रहा था, आपने मुझे बचा लिया। मैं आपके कहे अनुसार माता पिता की सेवा करूंगा। माँ बाप की कमी को कोई बांट नहीं सकता और ईश्वर भी उनके आशीषों को काट नहीं सकता। विश्व में किसी भी देवता का स्थान दूजा है, माँ बाप की सेवा ही सबसे बड़ी पूजा है। वो खुश नसीब है माँ बाप जिनके साथ होते हैं, क्योंकि माँ बाप के आशीषों के हजारों हाथ होते हैं। जो हर पर...
पल मेरे बने सहारे, मेरे मात पिता वो प्यारे मेरे साथ हो, वो हर दम साथ हो। जो हर पल मेरे बने सहारे, मेरे मात पिता वो प्यारे मेरे साथ हो, वो हर दम साथ हो। वही एक ईश्वर रूप है लागे, मेरे सर पे सदा विराजे उनका हाथ हो, वो हर दम साथ हो। मेरे प्राण हो, वो हर दम साथ हो। आपके चरणों में ये सर जितना झुका है, उतना मैं ऊंचा गया हूँ। कैसे ये ऋण चुकाऊं, आपके प्यार से मैं सींचा गया। नारी वो है कठिन भवर में, सराही वो है जीवन सफर में, जाकी सारी अपार दौलत नहीं है कुछ भी सिवाय उनके। माता पिता त्वमेव, त्वमेव बंधो सखा त्वमेव, स्वयं त्वमेव परम त्वमेव, सदैव त्वमेव अभय त्वमेव। मात पिता अंबर से ओछे, पर ये सर है झुकता नीचे उनके सामने, हाँ सम्मान में। जो हर पल मेरे बने सहारे, मेरे मात पिता वो प्यारे मेरे साथ हो, वो हर दम साथ हो। मेरे प्राण हो, वो हर दम साथ हो। तूने सहारा तेरा, अगर कभी हो सघन अंधेरा, तुम ही हो लाते नया सवेरा। मातृ पितृ चरण नमामि, देवम नमामि परम नमामि, नमामि सर्वेश्वराय माता, नमामि पितृ देवम नमामि, नमामि पितृ। जैसे धर्म व्याध जी ने माता पिता की सेवा से वंचित कौशिक ब्राह्मण को नरकों में गिरने से बचा लिया, वैसे ही आज परम पूजनीय संत श्री आशाराम जी बापू ने मातृ पितृ पूजन दिवस की सौगात देकर अनगिनत लोगों को सच्चे प्रेम का मार्ग दिखाया है। मातृ पितृ पूजन की राह दिखाने वाले, भला हो तेरा नींद से हमें जगाने वाले। शिक्षा संस्कृत संस्कारों की पावन धरा।